समीर वानखेड़े को किससे है जान का खतरा? एनसीबी के पूर्व अधिकारी ने क्यों किया ऐसा दावा? क्यों जताई अतीक की तरह हमले की आशंका? समीर वानखेड़े, जो कभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी मुंबई के पूर्व जोन निदेशक हुआ करते थे, लेकिन इन दिनों एनसीबी का ये बड़ा अधिकारी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स मामले को लेकर सीबीआई के शिकंजे में आ गया है, या फिर ये कहें कि समीर वानखेड़े सीबीआई की रडार पर है, बल्कि लगातार सीबीआई उनसे इस मामले को लेकर पूछताछ भी कर रही है। लेकिन इसी बीच एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने एक चौंकाने वाली बात कही है, बल्कि उन्होंने अपनी बातों में यूपी के माफिया डॉन रहे अतीक अहमद का भी जिक्र किया है और दावा कर दिया है कि जिस तरह से अतीक अहमद पर हमला करके उसकी जान ले ली गई थी, उसी तरह मेरे ऊपर भी हमला हो सकता है। दरअसल यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद पर प्रयागराज में उस वक्त हमला हुआ था जब वो मीडिया से बात कर रहा था। इस दौरान हमलावर मीडिया कर्मी बनकर आए थे और अतीक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी और उसकी हत्या कर दी थी। उसी तरह का हमला होने का दावा समीर वानखेड़े ने अपने ऊपर भी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समीर वानखेड़े ने कहा, मेरे ऊपर भी अतीक अहमद की तरह हमला हो सकता है। मेरे साथ सुरक्षा संबंधी समस्या है, इसलिए मैं मुंबई पुलिस से सुरक्षा मांगने वाला भी हूँ। इसके साथ साथ मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने कहा कि उन्हें और उनकी पत्नी क्रांति रेडकर को पिछले चार दिनों से धमकी मिल रही है और सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज भी आ रहे हैं। वो इस बारे में पुलिस आयुक्त को पूरी जानकारी देंगे और विशेष सुरक्षा की भी मांग करेंगे। जान को खतरा है? वो कंटिन्यूसली चार दिन से कुछ थ्रेट्स आ रहे हैं जो सीपी साहब के साथ में शेयर करेंगे हम। सर आपने थोड़ी बात की है मीडिया को भी लेके अतीक अहमद की बात की? सर लेकिन सर वो सीपी साहब के साथ में शेयर करेंगे हम लोग। नहीं मीडिया की कुछ बात नहीं है, बट देर आर सम सीरियस थ्रेट्स विच आर देयर एंड वी विल उनको सीपी साहब। इसके अलावा समीर वानखेड़े ने दावा किया है कि वो सीबीआई जांच में सहयोग कर रहे हैं, बल्कि उनका कहना है कि उनके खिलाफ झूठी शिकायत की गई है और उन्हें ये नहीं पता है कि जब अदालत स्थगित हुई तो ये मामला कैसे उठा। आपको बता दें, सीबीआई ने समीर वानखेड़े पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। इस मामले में सीबीआई ने 21 मई को समीर वानखेड़े से करीब 3 घंटे की पूछताछ भी की थी और समीर वानखेड़े ने अपने आप को निर्दोष बताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर भी की है, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान के साथ मैसेज के जरिए हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। लेकिन इसी बीच समीर वानखेड़े ने जिस तरह से हमले की आशंका जताई है वो काफी हैरान कर देने वाली भी है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।